बड़ी खबर आ रही है भिवंडी के पड़गा इलाके से। बता दें कि कंटेनर और कार के बीच में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद कंटेनर ने कार को घसीटते हुए आइसक्रीम के टेम्पो पर जा टकराई, जहां पर 3 से 4 लोग आइसक्रीम खा रहे थे। हालांकि ये सारे लोग कंटेनर के चपेट में आ गए, जिसकी वजह से जगह पर ही एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरे दुर्घटना में नासिक मुंबई हाईवे पर नासिक से मुंबई की ओर जा रही एक कंटेनर ने पहले एक कार को पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद कार को घसीटते हुए यह कंटेनर सीधे आइसक्रीम के टेम्पो पर जा टकराया। कंटेनर के जोरदार टक्कर के वजह से आइसक्रीम का टेम्पो पलटी हो गया, साथ ही में वहां पर मौजूद आइसक्रीम खा रहे लोगों को भी कंटेनर ने अपने चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद मौजम अंसारी उम्र 31 साल जिसकी जगह पर ही मौत हो गई। इस पूरी दुर्घटना में तकरीबन 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। मुंबई नासिक हाईवे पर कंटेनर चालक का नियंत्रण बिगड़ा, जिसके वजह से कार चालक को जोरदार टक्कर दी, जिसके बाद कार चालक को घसीटते हुए यह कंटेनर चालक यहीं नहीं रुका तो सीधे 2 बाइक सवारों को उड़ाते हुए वहां पर आइसक्रीम के टेम्पो को जा टकराया, जहां पर आइसक्रीम खा रहे लोगों को भी कंटेनर ने अपने चपेट में ले लिया और उनको रौंदते हुए सीधे आगे बढ़ गया। बता दें कि कंटेनर चालक वहां से फरार हो चुका था, जिसे टोल नाके के पास पकड़ा गया। हालांकि पुलिस ने कंटेनर चालक को भी अपने हिरासत में ले लिया है और आगे की छानबीन में पुलिस जुट गई है। मुंबई नासिक हाईवे पर खड़ौली फाटा के पास पड़गा इलाके में हुए इस दुर्घटना से भिवंडी में दुख का माहौल है। स्पीड न्यूज़ रहे सबसे आगे।